नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की क्लास में आज स्वागत है आप लोगों का। आज जो है कैलेंडर का सबसे लास्ट सेशन है। ये सेशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बनता था कैलेंडर से, मैंने बता दिया कि इस टाइप से क्वेश्चन आपका ऑड डे कॉन्सेप्ट जो बताया है उससे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका एक एक्स्ट्रा मान सकते हो कि ये जो आपका सेशन है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एक कोड बनता है आपका, उस मेथड से आप कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, और उस मेथड से सिंगल एक टाइप का क्वेश्चन होता है और उसके लिए आपको ये कोड याद करना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपको जो मेथड अच्छा लगे। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, पहला जो मैंने ऑड डे के कॉन्सेप्ट से बताया और आज जो मैं बता दूंगा, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन आपसे अधिकतर एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट जब ऐसा है तो आपको कोड अगर याद है तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे चलते हो तभी भी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जितने भी आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं वो 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। अगर आप इन सभी लेक्चर्स के प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स चाहते हो तो आप PDF सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें जो 3 महीने के लिए है 499 रुपये में, जिसे आप हमारे परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो इसमें है क्या मेनली, देखो कोड में क्या क्या याद करना है ये जान लो। दो तीन चीजें हैं जो आपको याद करना है, 100% वो याद होना चाहिए। एक तो मंथ का कोड याद होना चाहिए आपको, क्या याद होना चाहिए, मंथ का कोड याद होना चाहिए। एक आपका सेंचुरी कोड याद होना चाहिए और एक आपका डे कोड याद होना चाहिए। तीन चीज अगर आपको याद है, ठीक, कौन सा कोड, मंथ का कोड, ठीक, और कौन सा कोड, सेंचुरी कोड और डे कोड, ठीक है। डे कोड तो बहुत आसान होता है, कुछ होता नहीं है इसमें। मंथ कोड में ही हम आते हैं, तो मंथ कोड में अगर मैं बात करूं आपको नॉर्मल ईयर की, ठीक है, नॉर्मल ईयर की बात करूं मंथ कोड में, तो आप यहां लिख लो जैन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और आपका ये दिसंबर, ठीक है। अब इसमें क्या आपको कोड लिखना है, मैंने बताया भी था 144, ठीक है, 0 25 0 36 146, ये आपके पूरे कोड हैं, ठीक है। उसके बाद से ये आपको दिख रहा होगा नॉर्मल ईयर का, अगर यही लीप ईयर होता है तो सिर्फ बदलेगा क्या, आपका 0 और यहां पे 3 हो जाएगा। मतलब लीप ईयर में आपका कोड में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बाकी आपका सभी कोड सेम रहेगा और किसी में कोई बदलाव नहीं होगा। और आगे बढ़ जाते हैं, एक कोड तो ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं थोड़ा सेंचुरी कोड पे बात कर लेते हैं कि सेंचुरी कोड क्या होगा हमारा, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो सेंचुरी कोड क्या होगा बच्चों, कि सेंचुरी को जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, जो शेष आपका बचेगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो कोड क्या होगा, अगर रिमाइंडर 1 बचता है, 2 बचता है और 3 बचता है, इसके बाद नहीं बचेगा, फिर से वही सेम चीज रिपीट होने लगेगा, ठीक है। अब देखो 0 मैं दिखा दे रहा हूँ, 0 मतलब अगर 2000 सेंचुरी है ये, इसको जब 400 से डिवाइड करोगे, जानते हो लीप सेंचुरी होते रहे ईयर होता है, 400 से जैसे डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रिमाइंडर। यहाँ इस केस में क्या आता था, 0 आता था, मैंने बताया था आपको। तो इस केस में जब रिमाइंडर 0 आएगा तो कोड हमारा होगा 6, ये याद रखना। मान लो 1900 वाली सेंचुरी है, इसको 400 से डिवाइड करोगे तो इसमें तो रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा, 4 4 को 16, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 3, तो रिमाइंडर 3 बचेगा तो इस सेंचुरी का कोड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद से मान लो मैं 1700 वाला मान लूं, 1700 को 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा तो आपका कोड क्या हो जाएगा, 4। अब 1800 वाला ले लो, 1800 वाले में 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, इसका कोड क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा।
उसके बाद से जो भी अगर आगे लेते हो 2100 लेते हो तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, 400 से डिवाइड करोगे तो 4 5 20, फिर से रिमाइंडर एक बचेगा, फिर से रिमाइंडर एक बचेगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से एक रिमाइंडर बचेगा। अब एक रिमाइंडर जब बचा आपका तो फिर से वही चीज रिपीट होने लगेगी, एक रिमाइंडर हुआ तो आप क्या यूज करोगे, कोड 4 यूज करोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको डार्क कर दे रहा हूं, आपको दिखे कि ये आपका सेंचुरी कोड हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका ये मंथ कोड हो जाएगा, ये मंथ कोड हो गया 144025, ये दिख नहीं रहा होगा तो अब आपको क्लियर हो जाएगा, 36146, ये आपका मंथ कोड है पूरा जनवरी से लेके कहाँ तक, दिसंबर तक का, ठीक है। और ये लीप ईयर का कोड होगा, अगर ईयर अगर आपका लीप ईयर है तो यहाँ सिर्फ 0 होगा और ये 3 होगा, बाकी आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें हमने आपको दो कोड बता दिया, आपको दोनों याद रखना है, एक सेंचुरी कोड, ठीक, और एक आपका मंथ कोड, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एकदम फेमस क्वेश्चन है, हर बार आपसे पूछता है, वो क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल से ले लें, 15 अगस्त 1947, ये आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस दिन क्या, कौन सा दिन होगा आपसे पूछ दिया, डे क्या होगा। तो इसका एक आसान सा तरीका ये है, एक फॉर्मूला है, आप लिख लो कि पहले आपको क्या लिखना है, डे, ठीक, क्योंकि इसमें जो जो चीज दिख रहा है ये क्या है आपका, इसे मैं रफ कर दूं, देखो पहले क्या दिख रहा है, ये डेट है, ये आपका क्या है, मंथ है, ठीक। आगे का ये जो बताता है ये हमें क्या बताता है, सेंचुरी बताता है, और लास्ट का क्या बताता है, हमें ईयर बताता है। जब भी ऐसा आ जाए तो ये आपका तोड़ लो, ये डेट होता है, मंथ होता है, सेंचुरी होता है, ये ईयर होता है, बस इसी पे आपका एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला ये होगा बच्चों कि आपका डेट क्या है वो लिखना है आपको, डेट क्या भाई, 15, उसके बाद से मंथ कौन सा है, तो मंथ है तो मंथ का कोड हमें यूज करना पड़ेगा, मंथ कोड, ठीक। तो मंथ कोड क्या होगा, मंथ कोड क्या है, अगस्त है, और ये ध्यान रखना है कि यह जो ईयर है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ 47 क्या है, जब 4 से डिवाइड करोगे 47 को तो देख लो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नॉन लीप ईयर है। तो अब चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, आपका कोड सिर्फ जनवरी और फरवरी का बदलता है, ठीक है, बाकी आगे किसी मंथ का नहीं बदलता है। तो जो सेम रहेगा नॉर्मल ईयर में वो आपका क्या है, अगस्त का कोड क्या है आपका, 3 है, ठीक है, 0144025036, तो आपका अगस्त का कोड जो है 3 है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगस्त मंथ का कोड लिख देंगे 03 लिख देंगे, उसके बाद से हमारा सेंचुरी आता है तो सेंचुरी कोड लिख देंगे, ठीक है, सेंचुरी कोड लिख देंगे, सेंचुरी कोड क्या होगा, अब मैंने बताया ना सेंचुरी ये बताता है 19, तो 19 के आगे 00 लगा दो, उसको 400 से डिवाइड कर दो, जब 400 से इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, और 3 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो मैंने बताया कि अगर 3 रिमाइंडर बच जाए तो आपका कोड क्या होगा, 3 रिमाइंडर बच जाए तो 0 होगा, ठीक है, कोड क्या होगा, 0 होगा। तो याद रखो जब भी 19 सेंचुरी की बात करे तो कोड हमेशा 0 होता है, जब भी 20 सेंचुरी की बात करे आपके तो उसमें कोड क्या होगा, 6 होगा, ठीक। तो यही हमेशा आपसे 2 सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखो सेंचुरी कोड यहाँ क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा। उसके बाद ईयर दिया है तो ईयर लिख लो, ईयर कितना है भाई, 47वां साल है, ये भी लिख लिए हम। अब आता है लास्ट में नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ क्या, लीप ईयर, ये हमें कैसे पता होगा, तो हमें कैसे पता होगा नंबर ऑफ लीप ईयर, वो क्या करो, ईयर को 4 से डिवाइड कर दो, ईयर को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ लीप ईयर पता चले। मैंने बोला था ना जैसे जब पढ़ाया था कि 10 साल में कितने लीप ईयर, 15 साल में कितने लीप ईयर, 20 साल में कितने लीप ईयर, तो आप क्या करते थे, 4 से डिवाइड कर देते तो उतना आपका लीप ईयर निकल आता था, मगर कुछ आपके
एक्सेप्शन थे, जैसे 100 में कितने लीप ईयर, 4 से डिवाइड करोगे तो आपके कितना आएगा 25, मगर होता कितना था 24, क्यों, क्योंकि जो सौवां साल होता था वो आपका लीप ईयर नहीं होता था। सेंचुरी वाले केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो 4 से जैसे डिवाइड करोगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, फिर 4 एक कम 4 ले जाओगे, यहाँ कितना आया 11, जितनी बार ये जाएगा उतनी क्या होगा आपके लीप ईयर होंगे, मतलब जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही आपका लीप ईयर होगा। तो अगर आप ईयर को किसको, ईयर को 4 से डिवाइड करते हो, जितना क्वेश्चन आता है जितनी बार जाता है वही आपका नंबर ऑफ लीप ईयर होता है। तो यहाँ कितनी बार गया, 11 बार गया, अब जितना आया इसको प्लस कर दो, ठीक है, प्लस कर देते हैं, चलो देख लेते हैं, 7, 3, 10, 5, 15, 1, 16, 6 यहाँ हुआ गया, एक आपका कैरी हो गया, 5, 1, 2, ठीक है, 4, 2, 6, 1, 7, 76 आ गया। तो ये 76 क्या आता है, डेज आता है, ठीक है, जिसे आप ऑड डेज भी बोल सकते हो, विषम दिन की संख्या आती है 76। अब इसे क्या करना है आपको, 76 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है, तभी आपको पता चलेगा ना कि इसमें कितने ऑड डेज हैं, तो किसमें कितने हफ्ते बनेंगे, बाकी कितने शेष दिन बच जाएंगे। तो 7 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल, ये आपका 6 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, रिमाइंडर बचा 6, ठीक है, रिमाइंडर 6 बचा 10 बार जाने के बाद, तो आपका रिमाइंडर 6 यहाँ से आ गया। अब क्या करोगे, रिमाइंडर जो 6 आता है उसी को हम दिन में देखते हैं कि कौन सा दिन होगा, अब उसी के लिए डे कोड आता है, क्या आता है, डे कोड, देख लो डे कोड क्या है, थोड़ा ऑड डे वाले से अलग है। जैसे ऑड डे वाले में जब भी 0 आता था रिमाइंडर, तो उसमें आपका क्या हो जाता था, कौन सा दिन आता था, संडे आता था, 1 आता था तो मंडे आता था, ठीक है, वो आपका ऑड डे के हिसाब से। मगर इस कोड से अगर क्वेश्चन करते हो तो आपका डे कोड थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें क्या होगा, आपका जो संडे होगा वो 1 से होगा, संडे का कोड क्या होगा 1, मंडे का कोड क्या होगा 2, ट्यूसडे का कोड क्या होगा 3, वेडनेसडे का आपका 4, थर्सडे का 5, और फ्राइडे का 6, और सैटरडे का आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा। इसमें ये है, उसमें क्या होता था, संडे का 0 होता था, मगर यहाँ पे आपका सैटरडे का 0 होगा, यही आपका क्या होता है, डे कोड होता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया था, 76 को 7 से डिवाइड किए थे तो 6 रिमाइंडर आया था, तो 6 रिमाइंडर में कौन सा दिन आ रहा है, देखो 6 आ रहा है ना भाई, तो फ्राइडे, तो इस दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है, क्या होगा, फ्राइडे होगा, आपका आंसर निकल आया। कैसे, देख लो, ठीक, 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, फ्राइडे होता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देख लो, आज कौन सा दिन है उसका देख लेते हैं, आज आपकी तारीख जो है वो कितनी है, वो है 16 जून, ठीक है, 2020, आज का दिन आपको निकालना है। चलो देख लेते हैं क्या ये कोड हमारा सही है, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्या दिख रहा है, डेट, तो डेट को लिख लो, क्या होगा 16, उसके बाद से आपको क्या दिख रहा है, मंथ, तो मंथ का कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंथ का कोड, जून मंथ का कोड क्या हो जाएगा, देख 144025, देखो जून का कोड क्या हो जाएगा, जून के कोड पे क्या है, 5 है, 144025, तो जून का कोड हो जाएगा आपका 25, मतलब 5, ठीक है, जून का कोड हो गया 5। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, जून के बाद ये सेंचुरी आता है, तो सेंचुरी अभी आया तो 20 है, इसके आगे 00 और कर लो, 400 से डिवाइड कर लो, तो ये तो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर यहाँ से 0 आता है। जब रिमाइंडर 0 आए तो मैंने बताया दो ही सेंचुरी आपसे क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा, एक तो 20वीं, एक तो 19वीं सेंचुरी, तो 20 सेंचुरी का हमेशा कोड होगा 6, 19 सेंचुरी का कोड होगा 0, तो सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, सेंचुरी कोड आपका हो जाएगा, यहाँ से 0 है तो आपका 6 हो जाएगा। अब उसके आगे क्या चाहिए, ईयर लिखा है, लिख देते हैं भैया, ये ईयर होगा, क्या होगा ईयर इसका, आपका कौन सा ईयर है, 20 ईयर है। अब एक चीज और देख लो, ये 2020 है, तो एक बार चेक कर लेना कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, तो ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ना लास्ट का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर हो जाएगा, लेकिन यहाँ मंथ जो दिया है वो जून दिया है, इसलिए कोड क्या होगा आपका, जो नॉर्मल ईयर में होता है वही कोड होगा।
अगर यहाँ मंथ जनवरी या फरवरी होता तब आपका कोड चेंज हो जाता नॉर्मल ईयर से, ठीक है, क्योंकि उसी दो मंथ का कोड आपका बदलता है, बाकी किसी का नहीं बदलता है। तो ईयर आपका 20 हो गया। अब आप हमें नंबर ऑफ लीप ईयर पता करना है, तो नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो जाएगा, अब क्या करो 20 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 5 आ जाएगा। 5 बार जाएगा ना, रिमाइंडर नहीं, 5 बार जाएगा, रिमाइंडर तो इसमें केस में 0 आएगा, 5 बार जाएगा, तो जितनी बार जाएगा उतने लीप ईयर होंगे, तो यहाँ 5 लिख दो। अब सबको सम कर दो, प्लस कर दो, अब प्लस करने के बाद 7 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 10, 16 और 16 × 6 = 22, 22 × 2 = 2 यहाँ हो गया, 2 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, तो ये आ गया कितना, 52, ठीक है, 52 दिन आ गया। अब इस 52 को क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो, तो 52 को जब 7 से अगर डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाएगा, 52 है ये, ठीक है, तो 7 × 7 = 49, ठीक है, 7 बार आपका जाएगा 49, क्योंकि 7 × 8 = 56 तो ज्यादा हो जाएगा, 49 यहाँ हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 12, 3 आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, और रिमाइंडर से ही हमें काम है, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। अब इस 3 को हम देखेंगे कि किस दिन पड़ता है 3, डे कोड में देखेंगे, तो डे कोड हमारा कहाँ है भाई, देख लो डे कोड ये है, 3 के दिन क्या आ रहा है, ट्यूजडे आ रहा है, तो आज कौन सा दिन है भैया, ट्यूजडे ही तो है, देखो वेरीफाई हो गया इस कोड से कि आज क्या है, ट्यूजडे है, तो 16 जून 2020 को क्या है, ट्यूजडे है, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस मेथड से हो गया कि आपको इस मेथड से कैसे निकालना है क्या आपका आंसर होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, बाकी मैंने जो ऑड डे का कॉन्सेप्ट है मैंने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बता दिया है आपको कि उसमें कैसे हमें जाना होता था। उसमें जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर 15 अगस्त 1947 का डेट का निकालना है तो पिछले ऑड डे के कॉन्सेप्ट से, तो आपको क्या करना है, पहले 1946 तक जाना है, कहाँ तक, 1946 कंप्लीट करना है। तो 1946 कैसे कंप्लीट करोगे, पहले जानोगे 100 साल में कितने ऑड डे, 5 ऑड डे, ठीक है, 200 साल में कितने ऑड डे, 3 ऑड डे, और 300 साल में, ठीक है, क्योंकि 5 × 5 = 10, 7 से डिवाइड कर दोगे तो 3 बचेगा, और 300 साल में कितना, 15 होता है तो 1 ऑड डे, तो वही आपको 400 साल में 0 ऑड डे मिलता है। तो आपको क्या 1900 तक जाना है, तो 1600, 400 का जितना मल्टीपल होगा इसमें 0 ऑड डे मिलेंगे, उसमें 300 और जोड़ लो तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 1900 में पहुँच जाओगे, और 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होता है, ठीक है। तो हम 1900 तक पहुँच गए हैं, अब हमें कहाँ पहुँचना है, 46 साल तक पहुँचना है, तो 46 साल में, ठीक है, अब देखेंगे इसमें कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉन लीप ईयर होंगे। तो 46 में कितने लीप ईयर होंगे, अभी तो यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे तो जितनी बार जाएगा, 4 से डिवाइड करने पे जितना इसका क्वेश्चेंट आएगा कितना आएगा, 4 × 4, फिर से एक बार जाएगा 4 × 4, तो इतने 11 आपका लीप ईयर होगा। और ऑर्डिनरी ईयर कितना होगा, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर आपका नॉर्मल ईयर एक से बोल सकते हो, नॉर्मल ईयर कितना होगा, तो 46 में से 11 माइनस कर दोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5, 4 में से एक जाएगा 3, 35, तो 35 आपका नॉर्मल ईयर होगा। तो यहाँ से कितने ऑड डे मिलेंगे आपको, दो, हर एक लीप ईयर में कितने ऑड डे, 2 ऑड डे, तो 11 दूनी आपका 22, और यहाँ पे आपका 35 है, तो 35 नॉर्मल ईयर होगा, तो 35 में हर एक में सिंगल ऑड डे, तो यहाँ हो जाएगा 35, तो 35 + 22 करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 + 22 कर दो तो 5 × 2 = 7, 3 × 2 = 6, ठीक, 67 डे आ गया आपका। अब इसको क्या करोगे, 67 ये आ गया और एक आपका यहाँ से बचा था पूरे 1900 में, तो एक यहाँ, तो 67 एक प्लस कर दो तो 68 आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो 68 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, ठीक है, अब 5 यहाँ से आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक, तो ये ऑड डे हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका 5। ये लिखे रहो कि अभी तक जब हम 1946 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 1946 पूरा कंप्लीट हो चुका, तो हमारे पास ऑड डे की संख्या कितनी मिली, 5 मिली है।
अब हमें 47वें साल में जाना है और किस मंथ में जाना है वो देख लो, 15 अगस्त 1947 तक जाना है, तो हमें मंथ वाइज चलना पड़ेगा। मंथ वाइज चलना पड़ेगा कहाँ से, आपका जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इस मंथ तक जाना है। अब देख लेते हैं कि हमारा जो जनवरी है वो कितने 31 दिन का होता है, तो इसमें ऑड डे कितना आएगा, 3। फरवरी कितने होगी कि 47 जो है आपका नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं 47, तो उसमें फरवरी 28 की होगी तो आपका ऑड डे कितना हो जाएगा, 0। मार्च 31 का होता है, 3 अप्रैल, 2 मई आपका, 3 जून, 2 जुलाई, 3 अगस्त। में अगस्त 31 का होता है, मगर हमें अगस्त में कहां तक जाना है भाई, डेट हमारा क्या है, 15 अगस्त वाला है ना 1947, तो 15 अगस्त तक जाना है, तो 7 × 14 और 1 बचेगा आपका रिमाइंडर, तो 1 आपका यहां पे हो जाएगा ऑड डे। अब इस ऑड डे में देख लो कितने हफ्ते बन जाएगा, 3, 3, 6, 1, 7 कैंसिल हो गया, और उसके बाद से 2, 2, 4, 3, 7 ये कैंसिल हो गया, आपका यहाँ रिमाइंडर बचा 3, मतलब 3 ऑड डे और बचे और 5 यहां बचे थे, तो 5, 3, 8 आपके ऑड डे बच गए फिर से, ठीक है, 5, 3 कितने 8 बच गए। अब 8 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, 1 ऑड डे यहां से आ जाएगा। चलो यहां तो आ गया 1, 1 में क्या होता है, संडे, यह तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपका आया क्या था वहां पे, हमने निकाला कोड मेथड से फ्राइडे आया, यहां 1 आया, संडे क्यों, यहां तो मंडे हो जाएगा ना, इसका कोड अलग होता है, इसका मैंने बताया कि आपका क्या 0 को संडे पड़ता है और 1 को मंडे पड़ता है, मगर हमारा तो ओरिजिनल फ्राइडे आया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है 100%, ठीक है, इसीलिए आंसर क्या आया है यहाँ पे, गलत आएगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं अलग लगाया। तो देख लेते हैं एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो गया भैया, 100 साल में 5 ऑड डे है ये पता है हमें, 200 साल में 3 1 में है, यहां से 1 हमारा ऑड डे आएगा, लीप ईयर आपका 11 होगा, अब 35 आपके ऑर्डिनरी ईयर होंगे, तो यहां से नंबर ऑफ ऑड डे मिलेगा 22, यहां से 35, तो 22 और 35 5, 2, 7, 3, 2, 5 यही गड़बड़ कर दिए, तो भाई बताते नहीं हो तुम लोग कमेंट करके कि सर यहाँ पे 57 होगा ना कि 67 होगा, ठीक है, तो यहाँ 57 हो जाएगा। अब 57 आपका हो गया तो कितना, 57 प्लस 1 ये जो होगा आप सही कर लेना, 57 प्लस 1 जो वहाँ पे बचा था 300 साल में एक ऑड डे, तो आ जाएगा 58, अगर 7 से डिवाइड करोगे 56, 57, 58, मतलब 2 ऑड डे यहाँ से आएगा, ठीक है, यहां से 2 ऑड डे आएगा आपका, यहाँ मिस्टेक हुआ था जो 67 था उसे 57 कर लेना, और यहाँ पे आपका कितना ऑड डे आ जाएगा, ये खत्म, यहां से 3 बचा था हमारे पास ना ये वाला, तो 3 प्लस 2 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 ऑड डे आ गया, 5 ऑड डे। अब 5 पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था 0 पे संडे होता, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूजडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे आपका थर्सडे और 5 पे आपका फ्राइडे, ठीक है, और पे आपका क्या होता है, सैटरडे इसमें होता है, ठीक है, उस कोड वाले में अलग होता है, जो कोड वाला मेथड होता है उसमें ये कोड अलग होता है, यहाँ पे 0 संडे से स्टार्ट होता है मगर वहां पे संडे जो है 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए जब यहाँ 5 ऑड डे आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो देखिए आंसर दोनों केस में सेम आएगा, ये नहीं अलग अलग आएगा, वहां कैलकुलेशन मिस्टेक थी तब आपका आया था, जहां 57 होना चाहिए था वहां क्या लिख दिए थे, 67 लिख दिए थे। तो दोनों मेथड है, मैंने आपको बता दिया, जो अच्छा लगे उससे आप करो, ठीक है, इसमें क्या है, आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर मंथ में जाना पड़ेगा, अगर उसमें याद है तो डायरेक्ट कोड रखे, प्लस किए, जो ऑड डे आया उसे आप डिवाइड कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आपके ऊपर है, जो मेथड आपको आसान लगे आप उसे करो। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एग्जाम में कैलेंडर रिपीटेशन का, एक चीज और मैं बता दूं, उस कोड से आपको क्या फायदा है, जैसे मैंने लिख दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोड क्या भाई, 1, 44, 025, 036, 146, यही कोड है। अब इससे एक चीज और फायदा है, जब भी आपका पूछा जाए कि किसी साधारण वर्ष में
कौन कौन सा आपके मंथ के कैलेंडर सेम रहेंगे, किस किस मंथ के कैलेंडर हूबहू रहेंगे। मतलब कि अगर 1 जनवरी को मंडे पड़ता है तो ऐसे कौन कौन सा मंथ होगा जिसमें 1 अप्रैल को, मार्च को, कि आपको मंडे ही पड़े, सेम दिन से शुरुआत हो उस मंथ की, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, जिस मंथ का कोड सेम होगा, क्या जिस मंथ का कोड सेम होगा उस मंथ के कैलेंडर आपके हूबहू सेम होंगे। मतलब सेम होने का मतलब जिस दिन से इसकी पहले दिन की शुरुआत होगी उसी दिन से आपका क्या होगा, उस मंथ का भी शुरुआत होगा जिसके कोड सेम हो गए। जैसे एक एक जैसा कोई है, हाँ यहाँ पे देखो, तो जनवरी और अक्टूबर का जो बोल सकते हो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। किसका किसका, जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर किसी भी साधारण वर्ष में सेम होगा। मतलब जो तारीख एक जनवरी को जो दिन होगा वही आपका 1 अक्टूबर को दिन होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे किसी साधारण वर्ष में 2 जनवरी को मंडे है तो बताओ 2 अक्टूबर को क्या होगा, तो कुछ नहीं सोचना है क्योंकि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होगा तो यहाँ भी क्या होगा, मंडे ही होगा। डायरेक्ट आप बता सकते हो, कोई और डे कैलकुलेट नहीं करना है, ये इसका फायदा है। और देखो फेब, मार्च और किसका 4 है नवंबर, ये तीनों मंथ का कोड क्या होगा आपका, सेम है 444। तो इन तीनों मंथ का भी क्या होगा आपका कैलेंडर सेम होगा। इन तीनों मंथ के जो डे होंगे, आपका कुछ भी पूछ दिया जाए इनमें से तो आपका वही आंसर होगा। जिनके जिसके कोड सेम होंगे वो आपके क्या करेंगे, रिपीट करेंगे मंथ, ठीक। अब 0 है तो अप्रैल और जुलाई सेम होगा, उसके बाद से और कोई सेम मिल रहा है भाई, देख लो 5 है 6 है, सितंबर और दिसंबर आपका सेम होगा, कौन कौन सा, सितंबर आपका दिसंबर मंथ सेम होगा, और 0 है जुलाई और अप्रैल, अप्रैल और जुलाई आपका सेम होगा, और कोई है आपका मिलने वाला, और कोई नहीं है, ठीक है। अगर वही लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में क्या हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है और यहाँ 3 हो जाता है, तो 3 वाले कितने हो जाएंगे, अगस्त और फरवरी आपका सेम हो जाएगा लीप ईयर केस में, और जनवरी अप्रैल और जुलाई आपका सेम हो जाएगा जब लीप ईयर होगा। इनके तीनों मंथ के कोड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर लीप ईयर होता है कोई तो लीप ईयर में आपके क्या होगा, जनवरी इक्वल टू कौन सा मंथ और किसका है, 0 कोड, अप्रैल है और किसका है, जुलाई है, इन तीनों मंथ के जो है आपके कैलेंडर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये आपके कैलेंडर, इसके जो है कुछ फायदे हैं कि आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आपसे अगर पूछे, कुछ भी पूछे तो यहां से कोड से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे पूछ रहा है कि 2 मार्च को, ठीक है, मंडे है, तो बचाओ कि 2 दिसंबर को क्या होगा, तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है कि इनके बीच में ऑड डे क्या होगा, सीधे कोड देखो, 2 मार्च को क्या है आपका मंडे, तो इसका कोड मार्च का कोड 4 है, ठीक है, किसी भी साधारण वर्ष में बोला है तो साधारण वर्ष वाला कोड देखेंगे, उसके बाद से दिसंबर का देख लेंगे तो दिसंबर का कोड 6 है, तो ये 4 से कितना बढ़ा है, +2 हुआ है ना, ठीक है। तो वही कि क्या करेंगे, हम दिन में +2 कर देंगे, 2 मार्च को बोला मंडे है तो 2 दिसंबर को क्या होगा, तो कोड में +2 हुआ है तो मंडे में हम +2 कर देंगे, मंडे के बाद ट्यूजडे वेडनेसडे, तो 2 दिसंबर को वेडनेसडे होगा, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। तो कोड से ये फायदा है कि अगर आपका कोड जहां से बढ़ रहा हो तो उतना उस दिन से बढ़ जाए, बस ये आपको ध्यान रखना है कि डेट आपका ये सेम हो, ठीक है। डेट सेम नहीं है तो फिर आपको उस डेट तक जाना है, सेम डेट तक, उसके बाद से आगे हमें बढ़ना है जहां तक वो पूछता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन जो आसानी से निकल जाएंगे, जिसमें आपको और डे कैलकुलेट नहीं करना होगा, बस इसको क्या कोड याद है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन नोट कर लो कि राम है, अगर वो अपना जन्मदिन, ठीक है, मान लो कुछ भी डेट मान लो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1900 हटाओ, बहुत पुराना हो जाएगा, 2001 में मनाता है, जिस दिन क्या होता है, मंडे होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, राम एक व्यक्ति है जो अपना जन्मदिन 24 जनवरी 2001 को मनाता है, उस दिन जिस दिन मनाता है वो दिन कौन सा होता है, मंडे होता है।
अब क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि भैया बताइए फिर से जो है राम अपना जन्मदिन मंडे को ही कब मनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये नहीं बोल रहा है कि वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा, वो तो हर एक साल में मनाएगा ही मनाएगा, मगर ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि राम अपना जन्मदिन मंडे को ही कब मनाएगा। तो उस केस में क्या कर सकते हो, अब आपको क्या करना है कि एक एक दिन, इसी में रिपीटेशन आता है कि कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। 24 जनवरी 2001 को मंडे है, तो हर एक साल में आपका एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, 2001 है तो 2002 में क्या होगा ये मंडे की जगह। अब देख लेते हैं, 2002 आपका लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर होगा तो आपका दो दिन बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये 2002 क्या है, आपका लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? चार से तो डिवाइड नहीं होगा, लास्ट का दो डिजिट नहीं है, तो एक दिन बढ़ेगा, तो यहाँ ट्यूजडे होगा। ठीक, तीन में आ जाते हैं तो ये वेडनेसडे एक बढ़ेगा। चार में जैसे ही आएंगे, और 24 जनवरी है, ठीक है, ये भी देखना है कि ये मंथ क्या है, फरवरी क्रॉस कर गई है या फरवरी आने वाली है। ठीक, तो अभी फरवरी तो आई नहीं है, यहाँ से यहाँ जनवरी का ही हम गैप लेके चल रहे हैं ना, इसीलिए हमें ये भी ध्यान देखना है कि मंथ हमारा फरवरी बीत चुका है या फरवरी आने वाली है। तो अभी फरवरी आने वाली है, तो अभी हमारा इसमें चार तो हमारा लीप ईयर हो जाएगा 2004, मगर हमारा जो डे बढ़ेगा वो सिंगल ही बढ़ेगा, वेडनेसडे से थर्सडे ही होगा, ना कि फ्राइडे होगा। ठीक है, अगर ये जनवरी ना हो के आपका मार्च होता, अप्रैल होता, फरवरी के बाद के मंथ होते, तो आपका एक दिन और बढ़ जाता है यहाँ पे। अब आगे चढ़ते हैं, जब 2005 में आएंगे तब यहाँ क्या होगा भैया, 2005 में आएंगे तो ये आपका लीप ईयर था, एक फरवरी से एक्स्ट्रा बढ़ेगा। ठीक है, चार से पांच में जब आएंगे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां दो दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पे आपका एक फरवरी वाला बढ़ेगा और एक एक साल वाला तो होता ही है, थर्सडे के बाद फ्राइडे, यहां हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, क्यों, क्योंकि चार से पांच में पूरा लीप ईयर फरवरी कवर हो रही है, तो एक दिन फरवरी की वजह से एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहां पे जनवरी से बीच में और चार से और पांच के बीच में वो 2004 वाली फरवरी आ जाएगी, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो फ्राइडे ना होके सैटरडे हो जाएगा। पांच के बाद आगे बढ़ते हैं, छह में पहुंचेंगे तो ये आपका लीप ईयर तो है नहीं, सैटरडे है तो यहाँ संडे हो जाएगा। सात में पहुंचेंगे तो ये भी सिंपल ईयर है आपका, नॉर्मल ईयर, संडे हो जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, मंडे आ गया, देख लो यहां आपका क्या आ गया, मंडे आ गया फिर से। तो आप कह सकते हो कि वो राम जो है अपना 24 जनवरी 2007 को मनाएगा। ठीक है, कि जिस दिन सोमवार पड़ेगा, ठीक, 24 जनवरी 2001 में मनाया, उस दिन सोमवार था, फिर वो सोमवार को ही मनाना चाहता है, तो 24 जनवरी 2007 को मनाएगा, जिस दिन क्या होगा, सोमवार होगा। तो कितने साल बाद भैया, 6 साल बाद आपका क्या हुआ, कैलेंडर आपका रिपीट हुआ है, बोल सकते हो। तो अगर 2001 को किससे डिवाइड करें, आपको ईयर को अगर चार से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा आपका कितना, एक। ठीक है, रिमाइंडर एक आता है। ठीक है, ये याद रखो कि कैलेंडर कैलेंडर रिपीट कब होगा। ठीक है, कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो देखो अगर ईयर को चार से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आए, रिमाइंडर अगर 0, 1 या 2 और 3 आए, ठीक, तो रिपीट कितने साल बाद करेगा, रिपीट आफ्टर। ठीक है, रिमाइंडर 0 आता है तो भैया 28 साल बाद आपका कैलेंडर क्या होगा, रिपीट करेगा। 28 साल बाद तो हर कैलेंडर आपका रिपीट करता ही करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आपका ऑप्शन में ऐसा हो कि अगर कोई इनमें से ना आए रिमाइंडर वाला, तो जान लेना कि 28 साल बाद वो कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। अगर रिमाइंडर एक आता है तो 6 साल बाद आपका कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है, ठीक है, 2 या 3 में से कोई भी रिमाइंडर आता है, तो 11 साल बाद आपका कैलेंडर क्या होगा, रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट का मतलब कि जैसे यहां बोला गया कि 24 जनवरी 2001 को मंडे है, तो फिर से वो अपना जन्मदिन कब, मंडे को, मतलब सोमवार को ही मनाएगा। तो जान लो वो कब होगा, जब आपका कैलेंडर उस साल का सेम होगा, कि जनवरी का अगर ये 24 जनवरी को मंडे है, तो वहां भी 24 जनवरी को
मंडे ही हो, तो वो कब होगा? 6 साल बाद होगा। वो कैसे हमें पता चला? हम डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हैं, ये हमारा बेसिक मेथड है। और ठीक, और शॉर्टकट में जाओगे तो मैंने ये बता दिया कि ईयर को क्या करो, डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 0 आता है तो 28 साल, 1 आता है तो 6 साल बाद, तो 1 आएगा 2001 को। जैसे ही डिवाइड, 1 साल है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आना है मतलब 6 साल बाद रिपीट करेगा, तो 1 में 6 जोड़ दोगे तो 2007 में आपका क्या होगा, फिर मंडे पड़ेगा, उसी दिन आपका मनाएगा। तो आपका ये रिपीटेशन से क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप बेसिक मेथड से भी जा सकते हो ऐसे करके, और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ईयर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के ये वाला यूज कर सकते हो अगर आपको याद है तो। तो अब आज के लिए आपके सेशन में यही इतना बहुत है, काफी है कि कैलेंडर से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको मैंने सभी मेथड बता दिया। इसके प्रीवियस में मैंने आपको बता दिया था कि आप ऑड डे के कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ऑड डे से ना हो, क्योंकि वो बेसिक है। बाकी आज मैंने आपको क्या बता दिया, कोड मेथड से, कि कोड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और कैसे आसानी से कोड कहाँ कहाँ हेल्प करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मिलते हैं हम अगले सेशन में, जहां आपके लिए मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है। तो सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।